जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाएंगे वेज मंचूरियन। बहुत ही सिंपल इसकी रेसिपी है और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मंचूरियन बनकर तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमने दो छोटी साइज़ की पत्ता गोभी ली है, जिसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो पत्ता गोभी को हमने ग्रेटर से बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद मेज़रिंग कप से मेज़र करेंगे तो इसकी क्वांटिटी 4 कप जितनी है। और इसमें हम कुछ सूखे मसाले डाल देंगे, जैसे कि स्वाद अनुसार नमक। तो हमने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है, तकरीबन 1.25 टीस्पून, और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब हमें इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर और मैदा, तो दोनों की क्वांटिटी 6 टेबलस्पून जितनी है। अभी हम इसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेंगे और थोड़ी रख देंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर यहाँ पर एक बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं, तो पहले हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा है, तभी हम इसमें बाकी का कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। तो हमने इसे एक बार अच्छे से मिला लिया, लेकिन इसमें थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा लग रहा था, इसलिए हमने इसमें बाकी का कॉर्नफ्लोर और मैदा भी ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिला ली है और अब हमें इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह इसे मंचूरियन का शेप दे देना है। तो अब हमें सारे मंचूरियन फ्राई कर लेने हैं। तो तेल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं रखा है, मीडियम हॉट तेल होना चाहिए। और इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और एक एक करके पैन में जितने मंचूरियन आएंगे उतने हम इसमें ऐड करते रहेंगे। तो मंचूरियन ऐड करते वक्त हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, और जैसे ही ये सारे ऐड कर देंगे फिर हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और फिर इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और हाई फ्लेम पर फ्राई करने के दौरान हम इनकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इस तरह से हमने इनको गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है और इन्हें तेल में से निकाल लेंगे। और इसी तरह हमें सारे मंचूरियन फ्राई कर लेने हैं। तो जब हम इसमें मंचूरियन ऐड कर रहे होंगे तब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे, और सारे मंचूरियन ऐड कर देने के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। क्योंकि एक साथ में जब हम इसमें बहुत सारे मंचूरियन डाल देंगे तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, इसलिए फ्राई करते वक्त हमें इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना होता है। बीच बीच में इसकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक इनको फ्राई करेंगे। और अब हमने एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। हाई फ्लेम पर 30 से 35 सेकेंड के लिए हम इनको थोड़ा फ्राई कर लेंगे, जब तक कि लहसुन का कलर चेंज ना होने लगे। तो लहसुन का कलर चेंज होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया। और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज को भी हमें हाई फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। तो प्याज का कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। तो जैसे ही प्याज थोड़ी सॉफ्ट होने लगेगी तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप शिमला मिर्च, और इसी के साथ हमें इसमें ऐड करनी है पत्ता गोभी। तो हमने 1/2 कप जितनी ही पत्ता गोभी ली है, और अभी भी हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और शिमला मिर्च के क्रंची होने तक हमें इसे फ्राई करना है। और इस स्टेज पर हम इसमें 1 टीस्पून छोटी हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक शिमला मिर्च के क्रंची होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो हमने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए और फ्राई कर लिया, और इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। तो नमक ऐड करते वक्त ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने मंचूरियन में भी नमक ऐड किया है, तो थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद हम इसमें बाकी के सॉस ऐड कर देंगे। तो हमने सबसे पहले सोया सॉस ऐड कर दिया, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देना है 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, और इसी के साथ हमें इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पर टोटल 2 टेबलस्पून जितना सोया सॉस ऐड कर दिया,
क्योंकि हमने छोटी हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। आप यहाँ पर छोटी हरी मिर्च के पेस्ट को स्किप करके ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे और हाई फ्लेम पर इन सॉसेस को 1 से 1.5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो इन सॉसेस को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लिया है और इस स्टेज पर हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करेंगे। तो हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसकी बिल्कुल स्मूथ स्लरी बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी बनाई है वो बिल्कुल स्मूथ है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो एक हाथ से हम इसे ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे मिलाते रहेंगे। तो इस स्टेज पर कॉर्नफ्लोर ऐड करने से इसे एक थिकनेस मिलेगी। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। तो आप यहाँ पर फ्लेवर के लिए थोड़ा सा चाइनीज़ नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने उसे स्किप किया है। तो कॉर्नफ्लोर और पानी ऐड करने के बाद जैसे ही इसमें एक उबाल आने लगेगा तब हमें इसमें ऐड कर देनी है मंचूरियन। तो हमने जो सारी मंचूरियन फ्राई करके रखी हुई है वो इसमें ऐड कर दी है और इसी के साथ हम इसमें 1/2 कप बारीक कटा हुआ हरा प्याज ऐड कर देंगे। अगर आप इसे बनाते वक्त इसमें चाइनीज़ नमक ऐड कर रहे हैं तो तकरीबन 2 चुटकी जितना ऐड कर दें, नहीं तो स्किप कर दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मंचूरियन को इसके साथ 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे। और इसी के साथ हमारी वेज मंचूरियन सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बनी है ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वेज मंचूरियन। तो सिंपल सी रेसिपी के साथ आप इसे बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी ट्राई करने के बाद अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर से शेयर करें और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाई।